फायदे का सौदा ये पूरा होता हुआ दिख रहा है। और पटना से प्रशांत हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, बड़ा ही चौंकाने वाला फॉर्मूला निकला है, लेकिन इस फॉर्मूले में पासवान परिवार के जो है बल्ले बल्ले है, दो पांचों हाथों में लड्डू ही लड्डू है दोनों हाथों में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन, जिस तरह से आज जेपी नड्डा से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है और जो एक प्लान, फुल प्रूफ प्लान जिसको आप कह सकते हैं, ये बनाया गया जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया कि पशुपति कुमार पारस के बनाया जाएगा, राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके बेटे को बिहार सरकार में मंत्री पद, जो कैबिनेट विस्तार होना है उसमें मंत्री पद उनको दिया जाएगा और साथ में पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान उनको 5 सीटें दी जाएंगी और हाजीपुर सीट पशुपति कुमार पारस छोड़ देंगे। इससे जो गठबंधन में पिछले 10 दिनों से जो टकराव चल रहा था चाचा भतीजे के बीच में, उसका भी निपटारा हो जाएगा और पूरी तरह से यह साफ हो गया है कि एनडीए गठबंधन अब जो अनाउंसमेंट करेगा उसमें बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य को भी पूरा करेगा और साथ में कोई भी ना तो चाचा नाराज होंगे ना उसमें भतीजा नाराज होंगे और इसमें नीतीश कुमार की भी सहमति ले ली गई जी। और इस सहमति के बाद ही इसका अनाउंसमेंट बहुत ही आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा। प्रशांत, अगर बात की जाए इस पूरे फॉर्मूले की तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए आगे की राह भी आसान कर दी गई है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस निश्चित तौर पर पार्टी पर दावा कर रहे थे, विरासत पर दावा कर रहे थे, वो दावा भी पूरी तरह से सुलट जाएगा और चिराग पासवान के लिए आगे का भविष्य जो है काफी उज्ज्वल इस तरह से बन जाएगा। देखिए, चिराग पासवान को एनडीए अपने में एक युवा चेहरे के रूप में बिहार में प्रेजेंट तो कर ही रही है, खास करके जो पूर्वोत्तर का इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उस इलाके में भी चिराग को आप जमीन तैयार करने का मौका मिलेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी रामविलास पासवान ने कई बार कोशिश की थी अपनी जमीन तैयार करने की, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब चिराग के जरिए एनडीए और बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में भी जो दलित वोट है उसको अपने पक्ष में करने की एक जो पूरी रणनीति बना चुकी है। और देखिए, इसमें चिराग के साथ साथ बीजेपी को भी फायदा है कि एक यूथ लीडर के रूप में चिराग के पास जिस तरह से वोटरों का रुझान है और उनके जो वोटरों का जो साथ है उसका भी फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दें चंदन, एक बिल्कुल छोटी सी खबर है कि 2020 में जब चिराग अलग हो गए थे तो नुकसान सीधा जेडीयू को हुआ था। इस बार अलग हुए भी थे लेकिन तब भी वे ये कहते रहे थे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुमान है। और 2014 में हमें यह भी याद रखना होगा कि रामविलास पासवान जो बीजेपी के साथ आए थे, एनडीए के साथ आए थे, बताया यही गया था कि उस वक्त चिराग पासवान की पहल पर ही रामविलास पासवान माने थे और अब जाकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए आगे का रास्ता बहुत साफ होता हुआ। पशुपति को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है बीजेपी की ओर से और सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर के लिए। जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको दिखाने